हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग सब सेफ होंगे, अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और कहीं भी जाते होंगे तो सेफली जाते होंगे। आज हम लोग अपनी मौसी जी के घर जा रहे थे, मतलब मेरे हस्बैंड की मौसी जी के घर। तो बहुत दिनों के बाद जा रहे थे, ऑलमोस्ट 12 साल बाद। ये मेरी मदर इन लॉ हैं, ये अपनी बहन के घर जा रही थी। तो सबका ब्रेकफास्ट यहाँ पे हो चुका है और सबने थोड़ा लाइट ब्रेकफास्ट ही किया था, क्योंकि सबको गाड़ी में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए कोई ब्रेकफास्ट बनाने का वो नहीं था, इसलिए मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और ये है मेरा बड़ा वाला बेटा और एक जो आप अभी देखे वो छोटा वाला बेटा था। तो हम लोग सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बट ये जो छोटा वाला बेटा है मेरा, ये कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड था। आप अभी आगे देखेंगे, ये तो जंप कर रहा था। और आज हम लोग जा रहे हैं गाज़ियाबाद नोएडा से, तो काफ़ी समय लगने वाला है। मैं भी आपको लेकर चलती हूँ अपनी मौसी जी के घर। वो लोग बहुत ही ज़्यादा स्वीट हैं, बहुत अच्छे हैं। तो ये देखिए, पता नहीं क्या काम आ गया तो फिर से वापस हम लोग घर के अंदर गए। शायद मास्क छूट गया था और सैनिटाइज़र तो मैं भूल ही के ही ले जाना, बट ठीक है, मैंने रास्ते में ले लिया था। अभी हम लोग लॉक लगा देते हैं और कैब आ चुकी है हमारी, तो अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। एक कैब में ऑलरेडी शायद मम्मी जी लोग बैठ गए थे या फिर अभी बैठने वाले थे, तो वो लोग जब निकल जाएंगे फिर दूसरी कैब आएगी, फिर हम लोग भी निकल जाएंगे। 1-1.5 घंटे लगे थे, शायद 1 घंटे तो लगे ही थे। मेरी तो तबीयत रास्ते में ख़राब हो गई तो मैंने टाइम का ध्यान ही नहीं दिया, बट 1 घंटे लगे थे और हम लोग पहुंच गए थे। बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पे पहली कैब अभी आई है और ये देखिए सब हाय बोल रहे हैं आप लोगों को, तो ये लोग निकल रहे हैं अभी, फिर अब हम लोग निकलेंगे। काफ़ी दूर था बट ठीक है। ये देखिए मेरे बेटे का एक्साइटमेंट, छोटे वाले का, ये अभी जंप कर रहा है, डांस कर रहा है। इसको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या करे, क्योंकि वहाँ पे उसकी एक बुआ है जिनसे वो अभी मिला था कुछ दिनों के पहले। वो आई थी मेरे घर पे, तो वो बहुत उनके साथ घुल मिल गया था, बहुत बहुत, वो भी बहुत प्यार करती हैं इसको, इसीलिए। तो हम लोग निकल चुके हैं, अब मैं सीधे आपको मिलूँगी उनके घर पर। तब तक आप लोग रास्ते का थोड़ा बहुत व्यू एंजॉय कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे ब्रेक के बाद। हम लोग उनके घर पहुंच चुके हैं, नीचे खड़े हैं और अभी मौसा जी आएंगे। उनको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ा ऑकवर्ड हो गई थी, क्योंकि किसी को भी ऐसे वीडियो में ले लेना थोड़ा सा तो अजीब हो जाता है, क्योंकि उन लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ पे मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो मैं आप लोगों को ऊपर चल के फिर सबको दिखाती हूँ। अभी हम लोग जाएंगे अंदर और फिर मिलते हैं आपसे ऊपर। और यहाँ पे मैं अपने बेटे को उतार रही थी, तब तक मेरे हस्बैंड पे कर रहे थे, जो भी कैब का पेमेंट था वो कर रहे थे। और अभी हम लोग ऊपर जाएंगे और मम्मी जी लोग अभी पहुँचे नहीं हैं, वो लोग भी पहुँचने ही वाले थे, तुरंत पहुँच गए थे 2-4 मिनट के अंदर। और अब देखिए हम लोग ऊपर हैं और थोड़ी देर के बाद मैंने ये सब रिकॉर्ड किया था। तो ये हैं मौसा जी जो सामने खड़े हैं और इधर हैं मेरी ननंद है जो बुआ की बात मैं कर रही थी, बहुत प्यार करती हैं इसको, छोटे वाले को तो बहुत ज़्यादा। और हम लोग यहाँ पे अभी चाय बिस्किट नाश्ता और वो सब कर रहे थे। ये देखिए उन्होंने चाय बनाई मेरी ननंद ने, और मेरी तो अजीब ही तबीयत हो रही थी तो मैं कुछ उठ भी नहीं पा रही थी, मतलब कि मैं कुछ हेल्प करा दूँ, लेकिन ठीक है मैं बैठ के थोड़ा चाय पी। तब तक फिर थोड़ी देर बाद लंच का टाइम आ गया, फिर सब लोग मिलके लंच किए, बहुत अच्छा खाना बनाया था मौसी जी ने।
ये देखिए, ये है मेरी मौसी जी, और ये तो आप देखे ही हैं, ये है मेरी मदर इन लॉ, और ये वो ननंद, और ये हूँ मैं। और यहाँ पे किसी को कोई आइडिया नहीं है कि व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है। सबको लग रहा है कि हम लोग ऐसे ही वीडियो ले रहे हैं, लेकिन हम लोग आज उन लोगों को बता देंगे कि आपका व्लॉग बना हुआ है, आप लोग यूट्यूब पे आ गए हैं। और बिना पूछे मुझे लेना नहीं चाहिए था शायद। और बीच में मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ पे चली गई थी, और जब मैं लौटी तो देखी इन लोगों की तो खातिरदारी चले ही जा रही थी, नाश्ता वास्ता सब कुछ। उसके बाद हम लोगों ने, वो लोग बहुत ज़िद कर रहे थे खाना के लिए, बट खाना हो नहीं पाया, तो मौसी जी ने पैक करा के दे दिया था। मैं आगे जाके दिखाऊंगी आपको। और यहाँ हम लोग निकल चुके हैं। मैं अपनी फ्रेंड से भी मिली थी 4-5 साल के बाद, पता नहीं उसकी शादी के बाद हम लोग मिले ही नहीं थे। लास्ट में मैं वो फ़ोटो लगा दूंगी, वहाँ मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। और ये देखिए हम लोग अब पहुँच गए हैं। 1 घंटा लगा था, बट क्लिप मैंने वही उतना ही लिया था, क्योंकि गाड़ी में मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होता है। तो अब चलिए चलते हैं ऊपर, मैं काफ़ी थक गई थी, तो सेकेंड फ्लोर पे भी मैं लिफ्ट से ही जा रही हूँ। और मेरा बेटा लिफ्ट में जाना नहीं चाहता, वो बोलता चलो सीढ़ी से चलो, लेकिन मैंने बोला कि नहीं बाबू आज चलो लिफ्ट में चलते हैं। तो ये देखिए अब हम लोग पहुँच गए हैं घर, और मम्मी जी लोग यहाँ पहले पहुँच गए थे, तो दरवाज़ा खुला मिला हमें, और वो लोग जस्ट पहुँचे थे 2 मिनट पहले। और ये देखिए दरवाज़ा तो खुला ही हुआ है, अब हम लोग जाते हैं अंदर। इसका पूरा मूड ऑफ है बुआ के पास से आके, इसको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्यों इसका मूड ऑफ है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये आ गया है इसीलिए इसका मूड ऑफ हो गया है। तो अब मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, लॉक कर दिया। ये देखिए यही खाना उन्होंने पैक करा के दिया था। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर में।